दोस्तों, ग्राम मानगढ़ खोकावाला में शनिवार को एक जरूरतमंद परिवार के घर खाद सामग्री उपलब्ध करवाने के बारे में पूछने पर बीएलओ से लोगों ने मारपीट की। इसके बाद भी बीएलओ ने मारपीट का मामला दर्ज करवाया। इस पर पुलिस ने 3 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मानगढ़ खोकावाला भाग संख्या 27 पर कार्यरत बीएलओ कैलाश चंद मीणा ने मामला दर्ज कराया कि ग्राम पंचायत में बस्सी एसडीएम के आदेश अनुसार लॉकडाउन में जरूरतमंदों को कोई परेशानी न हो व कोई परिवार भूखा न रहे, इसके लिए ग्राम मानगढ़ खोकावाला के भाग संख्या 27 पर लगाया था, जिसको लेकर शनिवार को सर्वे किया गया। जरूरतमंदों के घर जाकर खाद सामग्री की व्यवस्था के बारे में पूछा। इस दौरान लॉकडाउन होने के करीब 4-5 दिन से मानगढ़ खोकावाला में रह रहे एक परिवार के मंगलाराम, चंद्रभान और विनोद कोहली, जो हाल ही पुरानी दिल्ली निवासी है, सभी परिवार के सदस्य किसी कार्य के लिए लॉकडाउन से पहले गांव आए थे। लॉकडाउन होने से दिल्ली नहीं जा सके, वह पुराने घर पर ही रह रहे थे। मैंने व्यवस्था के बारे में पूछा तो तभी उन्होंने गाली गलौज कर सिर पर ईंट से वार कर दिया। गनीमत रही कि हेलमेट पहने होने से बच गया और हेलमेट टूट गया। उसके हाथ से सर्वे फाइल को छीनकर फाड़ दी और मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी मामले पर कार्रवाई चल रही है। लेटेस्ट खबर ब्रेकिंग न्यूज को जानने के लिए हमारे चैनल खबर पंच को सब्सक्राइब करें।